बीकानेर। आसपास के जिलों में जहरीली शराब से कुछ लोगों के मरने की भी सूचना प्राप्त है। छपरा सिवान में जहरीली शराब का सेवन करने से किस प्रकार से लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, इसको लेकर गोपालगंज पुलिस जो है माइक लगाकर मार्केट में अनाउंस करवा रही है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि शराब पीने से आपका कितना नुकसान हो सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको हम लोग जेल तक भेज देंगे। तो आइए सुनते हैं किस प्रकार से गोपालगंज पुलिस जो है बाजार में लोगों को जागरूक करते हुए देखी जा रही है। आसपास के जिलों में जहरीली शराब से कुछ लोगों के मरने की भी सूचना प्राप्त है। ऐसे में सभी माधवासियों से आग्रह निवेदन है कि देसी चुलाई शराब मीठा महुआ से बने हुए शराब से दूरी बनाए रखें। यदि आपके आसपास कोई देसी शराब बनाने का कार्य करता है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। सुने सभी माधवासी ध्यान से सुने। शराब बनाने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जिला प्रशासन का है। यदि आप शराब पीते पकड़े जाएंगे तो आपको जेल भी होगी और साथ के साथ आप अपना भी नुकसान करेंगे। शराब बनाने वाले, शराब बेचने वाले पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनको जेल जाने के साथ साथ उनकी सारी संपत्ति कुर्क किया जाएगा। देसी शराब पीने से जो कि स्पीड से निर्मित है, आपके आंखों की रोशनी जा सकती है, आप अंधे हो सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है। तो आपने देखा गोपालगंज पुलिस किस प्रकार से लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि जहरीली शराब पीने के बाद आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है और आपकी जान भी जा सकती है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो जहरीली शराब के कारण जिस प्रकार से सिवान छपरा में लोगों की जाने गई हैं, आंखों की रोशनी गई है, इसको लेकर गोपालगंज पुलिस जो है लोगों को जहरीली शराब का सेवन करने से बचने के लिए सलाह देते हुए, नसीहत देते हुए देखी जा रही है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले।